तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग का सूर्या टेक्निकल जर्नी में स्वागत है। इस वीडियो में आपसे बात करेंगे बिहार आईटीआई 2023 यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस एंड आंसर, दोनों जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। यानी कि बिहार आईटीआई के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है पूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। 15 दिन के अंदर आपको हम प्रिपरेशन कराएंगे और 100% टकराने की गारंटी, ठीक है। नहीं आया तो चैनल बंद, यानी कि आप लोग समझिए ये वीवीआई क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं तबाही कोर्स के लिए, जो आपको बिहार आईटीआई में मेन मेन क्वेश्चन सो टकराने की उम्मीद है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हर जानकारी आपको एडमिशन तक हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के, कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है बिहार आईटीआई का मेन मेन क्वेश्चन, उस पर हम थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काम की बात पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मात्र 10 क्वेश्चन ही हम एक वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया कांस्य युग, यानी कि ये सब आपका नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको फिर से पढ़िए क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। वीडियो को बार बार देखते जाइएगा और कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कांस्य युग पे आपको टिक लगा के चले आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। पूरी जानकारी हम इसके मैं देते रहेंगे, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, यानी कि इसमें से क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। इसको क्वेश्चन को समझ समझ के, इसे नहीं कि भगा भगा के देखना है, आपको एकदम समझते जाना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है क्या है, बस सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर ये होगा। इसमें से ए भी ऑप्शन चुन सकते हैं, बी है या क्या है, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर आपको चार ऑप्शन में से एक का जवाब देना है। तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, राइट आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान देते रहना, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। गौतम बुद्ध के ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया कुशीनगर, इसका राइट आंसर है और नीचे भी लिखा हुआ है कुशीनगर। तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब, हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ हुई थी, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति महासभा कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है राजगृह, तो आपको ध्यान देते रहना, हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिलता रहेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हम डायरेक्ट आपको अपडेट देते रहेंगे चैनल के माध्यम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, इसका सही आंसर है वैशाली के साथ। यहाँ पे एक नंबर भी है, दो नंबर पॉइंट है, कपिल वस्तु युद्ध तब भी दोनों, इसका सही आंसर है वैशाली के साथ। क्वेश्चन को याद करते भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको हम क्वेश्चन को साथ है तो आंसर भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई दिक्कत होगी तो आप चैनल के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डायरेक्ट हो दिक्कत होता है। तो छः नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आप चलते हैं छः नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों के किस समा किस एक का शासन था, इसका राइट आंसर क्या हुआ, नंद। यहाँ पे भी लिखा है आंसर नंबर ए, तो आपको नंद लिखा हुआ है, तो आंसर को आपको जवाब देना है, ठीक है। छः नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ध्यान देते रहना है, सब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते जाना है, इसे नहीं कि भगाते जाना, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम वीडियो में थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है, तो इसका आंसर हो गया कौटिल्य का, इसका राइट आंसर है कौटिल्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन अब रह गया, आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। इंडिका का मूलतः दिखाई गई थी, उसी राइट आंसर है मेघ अस्थनीज द्वारा, इसका सी नंबर या इसका राइट आंसर हो गया। तो आप लोग घबराइए नहीं, डायरेक्ट आंसर देखते रहिए और दो दो क्वेश्चन आ रहा है, आपको देखने रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नौवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसके भी देख लेते हैं हल्का नीचे आकर के। राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका भी ध्यान देते रहना है। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नौवां का आंसर ये हो गया, राइट आंसर चतुर्थ बौद्ध संगीति, सी नंबर भी यहाँ